हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे कंप्यूटर सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, यानी क्रैश कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे यह है कि एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरी आउट फाइव फंक्शन इन ग्रॉस टर्म। कोई भी डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो जिसमें पांच फंक्शन यूज होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या होता है? पहला होता है टेक डेटा एज इनपुट, ठीक है, मतलब किसी डेटा को इनपुट लेना, और स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज देन व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कोई इंस्ट्रक्शन लेना मेमोरी में अगर कोई सेव है डेटा, ठीक है। इसके बाद होता है प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी कोई डेटा अगर मिल गया है, ठीक है, इनपुट डिवाइस से, तो उसको प्रोसेस करना और उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना। इसके बाद तीसरा ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जनरेट द आउटपुट, यानी क्या करता है वो डिजिटल कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करेगा। इसके बाद कंट्रोल ऑल द एबो फोर स्टेप, यानी सबको कंट्रोल भी करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में कि कोई डिजिटल कंप्यूटर कैरी कर सकता है क्या क्या चीज़, इनमें से क्या नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप इसको ख्याल रखना अच्छे से। कंप्यूटर के बेसिक पोर्ट में क्या होता है कि इनपुट लेता है पहले कोई चीज़ और फिर प्रोसेस होगा फिर आउटपुट होगा, यानी जब आप कीबोर्ड से कुछ लिखते हो, ठीक है, मान लो ये कीबोर्ड यहाँ पर है, ठीक है, कीबोर्ड से कुछ लिखा तो यहाँ पे क्या होता है सीपीयू में जाता है, ठीक है, सीपीयू में इसको प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद क्या होता है ये जाकर के डिस्प्ले हो जाता है ना इस पर, ठीक है, बात समझ में आई। यानी क्या होता है इनपुट लेना फिर यहाँ पे प्रोसेस होना उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट हो जाना। इसी तरह से हम कंप्यूटर का डेफिनेशन भी बना देते हैं ना कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हु एक्सेप्ट डेटा प्रोसेस डेटा कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ओके, ठीक है। अब हम डेफिनेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है ना, वो डेटा क्या करता है एक्सेप्ट करके प्रोसेस करता है। तो इसमें अगर तीन ऑप्शन दे देगी एक्सेप्ट डेटा स्टोर डेटा करता है या नहीं करता है, ये प्रोसेस करता है कि नहीं, जनरेट आउटपुट करता है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है कंप्यूटर किसी भी इनपुट को एक्सेप्ट करेगा प्रोसेस करेगा डेटा पर और आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये हो जाता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हु एक्सेप्ट डेटा प्रोसेस डेटा कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सा चीज़। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर के एडवांटेज के बारे में, ठीक है, इससे क्या लाभ है या नहीं है, ठीक है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता है अलग तरीके से दे देगा क्वेश्चन और ऑप्शन भी दे देता है, ठीक है। पहला है हाई स्पीड। हाई स्पीड के बारे में क्या दिया है कि हाई स्पीड क्या होता है, इट इज़ अ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट डेटा, या किसी भी लार्ज अमाउंट डेटा को वो परफॉर्म कर लेता है। और इसके बाद क्या होता है कि द कंप्यूटर हैज़ यूनिट ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड एंड इवन द पिको सेकेंड। यहाँ क्वेश्चन पूछता ये कि कंप्यूटर को का जो स्पीड होता है वो किस में मापा जाता है, माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड मीटर भी दे सकता है बाइट भी दे सकता है, ठीक है, तो ख्याल रखना है यहाँ पे माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड में कंप्यूटर का जो स्पीड होता है वो मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन फ्यू सेकेंड, ये कुछ ही सेकेंड में मिलियंस ऑपरेशन को फाइंड कर सकता है, मतलब कई सारे इंस्ट्रक्शन के साथ देंगे तो भी ये उसको परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद है एक्यूरेसी की बात हो रही है, यानी शुद्धता की बात हो रही है, ठीक है, तो कंप्यूटर बहुत ही फास्ट तरीके से काम करता है। तो लिखा कि इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट, यानी कंप्यूटर क्या है एक्यूरेट तरीके से काम करता है और इसका जो कैलकुलेशन होता है 100% एरर फ्री होता है, ओके। इसके बाद कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब विथ 100% एक्यूरेसी प्रोवाइडेड दैट करेक्ट इनपुट हैज़ बीन गिवेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है आपको कि क्या कंप्यूटर जो भी काम करता है क्या एरर फ्री करता है 100%, ठीक है, तो यहाँ पे ख्याल रखना है इसको 100% एरर फ्री वर्क करता है, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे स्टोरेज कैपेबिलिटीज के बारे में, यानी उसका जो अगर हम सेव करते हैं डेटा को तो मेमोरी में जाता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि मेमोरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की बहुत ही अच्छी विशेषता होती है, और अ कंप्यूटर हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी ह्यूमन बींग, यानी क्या मानव तुलना में कंप्यूटर के पास अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेज वीडियो टेक्स्ट, ठीक है ना, ऑडियोज, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ओके। यानी क्या जैसे कि स्टोर करना हो तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क का, ठीक है ना, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं और डीवीडी का इस्तेमाल करते हैं, सीडी का इस्तेमाल करते हैं, पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, लेकिन पेन ड्राइव लिमिट होता है, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं तो 1 TB या 2 TB का खरीद सकते हो, ठीक है, मार्केट में मिल जाएगा, इसे आप अच्छा खासा डेटा रख सकते हो, ओके। यानी 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB कहलाता है, ओके।
आप बात करते हैं डिलीजेंस यानी परिश्रम ही है. अनलाइक ह्यूमन बीइंग अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोमी टैडनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन. मतलब क्या होता है, ये काफ़ी परिश्रमी होता है ठीक है ना मानव तुलना में. इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम. मतलब ये किसी भी बिना एरर के अपना कंटिन्यूस काम करता रहता है ठीक है. इट कैन डू रिपीट वर्क विद सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी. अगर कोई रिपीट करना हो काम तो उसी के साथ वो स्पीड के साथ काम करता है. हम लोग थक जाते हैं भले ही ठीक है ना. तो इंपॉर्टेंट क्या है इसके साथ कि स्पीड के साथ एक्यूरेसी के साथ वो काम करेगा. ओके इसके बाद हम बात करेंगे ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मतलब क्या क्या होता है, स्वचालन. यानी क्या, हम कोई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ऑटोमेटिक चलता रहता है. ये पूर्ण रूप से एक ऑटोमेटिक मशीन है ठीक है. ऑटोमेटिक मींस एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन टास्क ऑटोमेटिकली. यानी कोई भी अगर आप परफॉर्म देते हो यानी कोई भी टास्क देते हो तो ऑटोमेटिकली वो काम करता है ठीक है ना. ओके इसके बाद है रिडक्शन इन पेपर वर्क. यानी क्या, पेपर वर्क को खत्म कर दिया ठीक है ना, बहुत ही कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कमी आ गई ठीक है. सिंपल सा ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वे से आप काम कर रहे हो तो आपको वो चीज़ जितनी हार्ड कॉपी निकालनी नहीं पड़ रही है. मतलब ये कि द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर डेटा प्रोसेसिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन लीड टू रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड रिजल्ट इन स्पीडिंग अप अ प्रोसेस. तो इसके बाद ये आता है कि रिडक्शन इन कॉस्ट. यानी कॉस्ट में भी कमी आती है ठीक है ना, पैसा कम लगेगा अगर इन्वेस्टमेंट. यानी क्या हो सकता है कि अगर आप उस चीज़ को दिखा कि थ्रू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर हाई. देखो जब हम कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं यानी जब कंप्यूटर लाते हैं तो हाई पड़ता है, बट इट सस्टेनली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ इट ट्रांजेक्शन ठीक है. ओके अब बात करते हैं हम डिसएडवेंटेज. डिसएडवेंटेज पूछता है ठीक है ना, ख्याल रखना. तो फॉलोइंग लिस्ट डिमोन्स्ट्रेट एंड डिसएडवेंटेज ऑफ कंप्यूटर इन टूडे अरेना ठीक है. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं. अ कंप्यूटर इज मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क. कंप्यूटर पूर्ण रूप से क्या है, मशीन है और इसके पास कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है. ये केवल काम को परफॉर्म करता है ठीक है ना. इसके बाद ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ टू गिवन टू कंप्यूटर. हम कंप्यूटर को प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को देते हैं तभी वो काम करता है. और इसके बाद कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन इन इट ओन. मतलब कंप्यूटर खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता. ओके ना ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे डिपेंडेंसी. यानी क्या होता है डिपेंडेंसी, मतलब कि इट फंक्शन है एज पर अ यूजर इंस्ट्रक्शन सो इट इज़ अ फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग. यानी कि ये पूर्ण रूप से कंप्यूटर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड रहता है ठीक है ना. इसके बाद हम बात करें एनवायरनमेंट. द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सूटेबल. अगर डस्ट यानी क्या हो सकता है कि अगर कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है, लैब यूज़ कर रहे हो तो डस्ट फ्री होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे एसी लगाया जाता है. और वहाँ पे जो अगर एसी आप लगा रहे हो तो ख्याल रखना वहाँ का जो तापमान होता है वो 48 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है ना. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वायरस अटैक का प्रॉब्लम है ठीक है. ओके एक और चीज़ जान लो, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती है ठीक है ना. ये कहा कि कंप्यूटर हैव नो फीलिंग और नो इमोशन ठीक है ना, कोई इमोशन नहीं होता है इसके पास, वो डायरेक्टली काम करता है. रोबोट भी क्या है, रोबोट अगर काम कर रहा है तो उसके पास भी कोई फीलिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी अभी उस पर काम चल रहा है. ओके ना ठीक है. तो इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और लेकर के ठीक है. अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से कंटिन्यू बने रहो ठीक है. अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है ना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.